देखिए हर दिन ना बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है और ये महंगाई हम सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है क्योंकि आने वाले वक्त में सबको इसकी चिंता होने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जहाँ पर फीस तो कम लगे या फिर ना लगे लेकिन पढ़ाई हमको ए ग्रेड वाली मिल जाए, है ना। सोचते हैं ना, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, हर कोई ऐसा सोचता है। तो अगर हम ऐसे स्कूल की बात करते हैं और इसमें हम केवी का नाम नहीं लेते तो भाई ये तो इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूल हैं जो कम फीस में आपको इतनी अच्छी पढ़ाई दे देंगे कि बच्चा वहाँ से ऑफिसर बन के तो पक्का निकलेगा। तो कितनी फीस होती है, कौन से क्लास के बच्चों को कितनी फीस देनी होती है, किस कैटेगरी में फीस देनी होती है, चलिए आपको ना फटाक से बता देते हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देंगे ताकि अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं ना तो आपको सारी चीजें यहीं पर पता चल जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकेड पर। तो इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो KV है ना उसमें क्लास 1 से क्लास 8 के लिए किसी भी बच्चे को कोई फीस नहीं देनी होती, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जनरल कैटेगरी की हो या फिर वो रिजर्व कैटेगरी हो। फर्स्ट क्लास से 8 तक तो कोई फीस नहीं लगती। इसके साथ ही जो लड़कियाँ हैं ना वो तो भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक फ्री में पढ़ सकती है और साथ ही जो KVS के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके भी बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। तो भाई फीस कितनी लगती है KVS की, चलिए अब फाइनली इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, तो क्लास 1 से क्लास 8 तक लड़का हो लड़की हो नो मैटर क्या जेंडर है सभी बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। लेकिन बात आती है 9th से लेकर 12th तक की। तो मैंने जैसा आपको पहले बता दिया लड़कियों की तो फीस माफ़ होती है लेकिन फीस देनी पड़ती है लड़कों को। तो एडमिशन फीस उनकी लगती है 25 रुपये क्लास 9 से क्लास 12 तक। ठीक है, उसके बाद री एडमिशन की फ़ी लगती है 100 रुपीज़। उसके बाद जो ट्यूशन फीस लगती है ना पर मंथ क्लास 9th और 10th के लिए बच्चों के लड़कों के लिए उनकी 200 रुपये है। वहीं क्लास 11th और 12th के कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले लड़कों के लिए 300 रुपये, ये ट्यूशन फीस है पर मंथ। ठीक, उसके बाद जो 11th और 12th के साइंस वाले बच्चे होते हैं ना उनको 400 रुपये फीस देनी होती है। खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर स्ट्रीम वाइज ना फीस अलग अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद जो कंप्यूटर फंड होता है वो 100 रुपीज़ होता है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस की फ़ीस होती है अगर किसी का इलेक्टिव सब्जेक्ट है 11th और 12th में तो 150 रुपीज़ उसका चार्ज लगता है। उसके बाद लगती है विद्यालय विकास निधि जो क्लास 1 से क्लास 12 तक देना होता है पर मंथ, वो लगता है 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल गया कि हर क्लास के लिए यानी कि 9th से 12th तक के लिए लड़कों को कितनी फीस देनी होती है और स्ट्रीम वाइज भी आपको पता चल गया कि साइंस ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों को कितनी फीस देनी होती है। अब मैं आपको डिटेल में ये बता देती हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनकी फीस जिनकी ट्यूशन फीस माफ़ होती है। तो सबसे पहले तो लड़कियों का तो मैंने आपको बता दिया क्लास 1 से क्लास 12 तक उनकी कोई फीस नहीं लगती चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक, उसके बाद जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं ना उनको भी फीस नहीं देनी होती। उसके बाद जो KV के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे भी फ्री में पढ़ते हैं। उसके बाद जो आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं जिनके माता पिता जंग में घायल हुए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है वो बच्चे भी फ्री में पढ़ते हैं। उसके साथ ही जिन भी बच्चों के माता पिता बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं यानी कि जिनके पेरेंट्स गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उनके पास BPL कार्ड है उनके बच्चे भी फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं और जो क्लास 6 से 12 तक के अपने माता पिता के सिंगल गर्ल होते हैं वो भी फ्री में ही पढ़ाई करते हैं KVS में। तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ़ होती है। मुझे लगता है अब KVS के फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको पता चल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर आपको कम फीस में ए ग्रेड शिक्षा मिल सकती है। तो KVS आपके टू डू लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हो सकता है। अगर आपको KVS एडमिशन से रिलेटेड कुछ जानना है या फिर कोई और शंका आपके मन में है तो आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हर सवाल का बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर दे दें। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।